एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड. फाइंड द रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी एट द इंस्टेंट इट इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन. तो यहाँ पे 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और जैसे कि हमें पता है कि कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू होता है तुम्हारा 3/5 और ऐसे ही साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू होता है 4/5. ठीक है, तो ऐसे करके ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ से ऐसे करके ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया और ये ऐसे करके फाइनली यहाँ पर लैंड किया. ठीक है, तो ये जो हो गया ये यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, जो कि इसको ले लेते हैं चलो यू, और इस डायरेक्शन में तुम्हारा हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो कि तुम्हारा है यू कॉस थीटा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया दैट इज इक्वल टू यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा. ठीक है, तो जब तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पे प्रेजेंट है तो मैक्सिमम हाइट में जो है पार्टिकल यहाँ पर है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है इट इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा वो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ काम कर रहा है जी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि देखा जाए ये तुम्हारा इस केस में दिस इज इक्वल टू टैंजेंशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट. ठीक है, और जी तुम्हारा जो एक्सेलरेशन जो इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में काम कर रहा है दिस बिकम्स योर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. तो बेसिकली सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी तुम्हारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता था और आर तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ऐसे में इसको लिख सकते हैं दैट जी इज इक्वल टू, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट तुम्हारा क्या है यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर वन, तो आर वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एट हाईएस्ट पॉइंट. तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था. ना क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें कि एट एन इंस्टेंट टी इक्वल टू 1 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन. तो देख लेते हैं कि एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है, बेसिकली यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक पहुँचा एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं वी, जो कि तुम्हारा यहाँ से एंगल बना रहा है फाई, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया वी कॉस फाई, और जो तुम्हारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया ये तुम्हारा हो गया वी साइन फाई. इसको शॉर्ट में लिखने के लिए वी टू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था जो कि तुम्हारा कितना था 50 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो गया इसको मान लेते हैं यू वन, और इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है दैट इज इक्वल टू ये तुम्हारा 53 डिग्री है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा 50 cos 53. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है दैट इज इक्वल टू 50 cos 53 डिग्री. ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहता है, तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं दैट वी कॉस फाई इज इक्वल टू 50 cos 53 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा 550 इंटू कॉस 50 का वैल्यू है 3/5, तो ये हो गया 3/5, ये और ये कैंसिल 10, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा कितना वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड ये आ गया. अब हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो वी टू है उसका वैल्यू निकालना है. तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है और इसके वजह से यहाँ पे क्या वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इसमें रिटार्डेशन होगा, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेकर के ओ से लेकर के पॉइंट ए तक पहुँचने में टाइम लगा 1 सेकेंड. ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वी विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी.
तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, वी टू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू तुम्हारा यू वन माइनस जी टी, ठीक है। टाइम का वैल्यू तुम्हारा वन है, हमें वी टू का वैल्यू चाहिए, तो वी टू इज इक्वल टू यू वन है ना, तो यू वन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 sin 53, 50 into sin 53 degree, माइनस जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू टाइम का वैल्यू तुम्हारा है 1, टाइम का वैल्यू ले लेते हैं तुम्हारा यहाँ पे 1, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 और 50 कैंसिल, 40 आ गया, और यहाँ पे माइनस 10 है, तो वी टू का फाइनल वैल्यू आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30 meters per second, ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर टी इक्वल टू 1 second, यहाँ पे वी टू का वैल्यू मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट जो हो गया आफ्टर टी इक्वल टू 1 second, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट, ये भी तुम्हारा कितना है 30 meters per second है, और वर्टिकल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है ये भी तुम्हारा कितना हो गया 30 meters per second, तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 30√2 meters per second, ठीक है, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आफ्टर टी इक्वल टू 1 second फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है, v इज इक्वल टू 30√2 meters per second, ठीक है। तो अब देखते हैं तुम्हारा यहाँ से इस डेटा को यूज़ करके हम निकालेंगे तुम्हारा रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी एट t इक्वल टू 1 second आफ्टर प्रोजेक्शन। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हारा अब आफ्टर 1 second बॉडी तुम्हारा यहाँ पर कहीं है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा ऐसे करके इस डायरेक्शन में, मान लो ये तुम्हारा वेलोसिटी है जो कि हॉरिजॉन्टल से एक स्पेसिफिक एंगल बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से तुम्हारा यहाँ पे ये कितना फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फाई एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है इस डायरेक्शन में जी। तो इसको अगर रिजॉल्व करने जाएं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमें ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, ये फाई हो गया, तो ये एंगल हो गया 90 - 5, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब देख सकते हैं तुम्हारा क्या हो गया प्रॉब्लम, कि तुम्हारा इस डायरेक्शन में वी है और इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका कॉम्पोनेंट, दैट इज इक्वल टू जी कॉस फाई, तो ये तुम्हारा हो गया इस डायरेक्शन में जी कॉस फाई, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर टू वी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या होगा, तो यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो वी का वैल्यू तुम्हारा कितना आया था 30√2, ठीक है, तो वी कॉस फाई वॉज इक्वल टू 30 meters per second, ये इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्या लिख सकते थे तुम्हारा, वी कॉस फाई इज इक्वल टू 30 meters per second, और वी का वैल्यू कितना आया था, वी का वैल्यू आया था 30√2 कॉस फाई इज इक्वल टू 30 meters per second, 30 और 30 कैंसिल हुआ, तो कॉस फाई आ गया तुम्हारा 1/√2, हमें इसी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर v तुम्हारा टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया और ये तुम्हारा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू जी कॉस फाई, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू V तुम्हारा क्या है, V का वैल्यू इज इक्वल टू 30√2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30√2 का होल स्क्वायर अपॉन G cos phi, तो ये हो जाएगा 10 into 1/√2, तो ये ऊपर चल गया √2, तो R2 का जो फाइनल वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना 900 इंटू रूट टू का स्क्वायर इंटू 2 into √2/10, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू आ गया तुम्हारा
90 इंटू टू 180, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू हो गया 180 रूट टू मीटर्स. दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम.